और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यह बयान इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बायलेटरल मीटिंग हुई थी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बेहद अहम हो जाता है, खासतौर से सीमा रेखा को लेकर, भारत चीन की सीमा रेखा को लेकर। रिसेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंस डायलॉग्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान चीन और भारत के बीच एलएसी पर बनी सहमति को लेकर है। राजनाथ सिंह ने इस सहमति को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान ब्रिक्स में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद आया है। ब्रिक्स में बुधवार को बैठक के बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को लेकर क्या कहा था, आपको वो भी सुनना चाहिए। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये बैठक करीब 50 मिनट चली थी।